आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा हटके स्टार्ट किया है, क्यों? क्योंकि आज है पोयला बोईशाख, यानी हम लोग बंगालीज का न्यू ईयर। सो सबसे पहले शुभ नव वर्ष प्रीति और शुभेच्छा, बड़ो देर आमार प्रणाम और छोटो देर खूब भालोबाशा। सो गाइस, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होता है। हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मंदिर जाते हैं। सो फटाफट करती हूँ मैं आज इस स्पेशल डे को स्टार्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ अभी नोएडा में, आकार गुड़गांव में है मम्मी जी के साथ। मैं कल रात में ही आ गई थी, तो आज के दिन के लिए मेरा और दीदी का बहुत तगड़ा प्लान है, बहुत कुछ सोच के हम लोगों ने रखा है। फिलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ पूरे बंगाली स्टाइल में, शाखा पोला पहन लिया है और एक अच्छी सी तांत की साड़ी पहन ली है। तो बस दीदी रेडी हो जाए, आधी रेडी हो जाए तो हम लोग निकलेंगे। खैर, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस चली गई थी मेरे ब्लॉग करने की भी, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग मेरे चैनल पे ब्लॉग नहीं देख पा रहे थे। उसका एक रीज़न भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो अब मैं आराम से बैठ गई हूँ और अब मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से ऑलमोस्ट एक महीने से मेरे चैनल पे कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। इवन आप में से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे मुझे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या आपने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने ब्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं बंद किया है, अभी भी ब्लॉग आएंगे। रीज़न वो ये है कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बिजी थी, और मेन प्रॉब्लम ये है कि उन लोग थोड़ा कैमरा शाए हैं, तो उन लोग कैमरे में आना पसंद नहीं करते, और मैं फिर उनके साथ होती हूँ तो फिर मैं भी ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। एक चीज़ और, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी बट आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, और वो भी आकार के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने उन शॉर्ट्स पर इतना ज़्यादा प्यार दिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि यार हमारे शॉर्ट्स इतने अच्छे व्यूज़ आएंगे, उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे आप लोगों के। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज तो दिन बहुत अच्छा है, न्यू ईयर है, तो आज के दिन से मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग करना। मेरे चैनल को ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं और अब मैं चाहती हूँ कि बस मैं जो भी करूं वो आप लोग को अच्छा लगे। आप लोग के लिए मैं नए नए कंटेंट लेकर आऊँगी, बहुत सब कुछ प्लान करके रखा है, एंड आई होप कि मैं वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट भी कर पाऊँ। सो खैर, अभी दी भी रेडी हो गई है, वहाँ से मुझे चिल्ला रही है कि हो गया, आई एम रेडी। सो बस अभी निकलते हैं। सो गाइस, निकल गए हम लोग बिल्कुल रेडी वेडी होके। ये रही दीदी दी, और ये रहा हमारा बदमाश आदि, कहाँ छुपा बैठा है आदि। सबको शुभ नव वर्ष बोल दो। और ये रहे भैया, भैया आए हैं हम लोगों को ले जाने के लिए। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अभी नोएडा कालीबाड़ी, वहाँ पे पूजा देंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, वो तो आपको धीरे धीरे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। जीजा जी नहीं है क्योंकि वो, उनका आज ऑफिस है तो वो गुड़गांव में है। मेरे पति देव भी नहीं है, वो भी गुड़गांव में है। बस आज दी, मैं और आदि मस्ती करने वाले हैं, है ना आदि? कहाँ गया? तो ये है नोएडा कालीबाड़ी जो कि सेक्टर 26 में, और यहाँ पे तो आज अलग ही माहौल है। यहाँ पे काफी छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे खाने पीने के, और आई थिंक कुछ मिल रहा है, वो सब देखेंगे, आपको भी जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे एक टेंट भी लगा है, आई थिंक शाम को कोई प्रोग्राम भी होने वाला है। तो खैर, पहले अभी चलते हैं अंदर और पूजा करते हैं।
यहाँ आज कितनी भीड़ है, सब लोग अंजलि देने के लिए खड़े हैं। अभी हम लोग भी जाएंगे, थोड़ा सा भीड़ कम हो तो मैं और दी भी जाएंगे और देंगे अंजलि, और मैं भी माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ, काली माँ के दर्शन करवा देती हूँ आपको। तो जी पूजा देना हो गया, काली माँ से विश भी मांग ली। आई होप कि ये साल हम सबका बहुत अच्छा हो, सब लोग हेल्दी रहे, खुश रहे। हम लोग को लग गई है भूख, सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, तो आ गए हैं बीकानेर। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे, बीकानेर वाला सॉरी, तो यहाँ थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा करेंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है। धूप इतनी गंदी वाली है ना कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लग रहा था बस ठंडा ठंडा पानी पियो, हाँ एसी में आराम से करो। खैर चलते हैं अंदर और थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पाव भाजी मेरे लिए, दीदी का ये पनीर डोसा, और आदि पी रहा है, क्या पी रहे हो? लेमोनेड। तो बस अभी हम लोग फटाफट एंजॉय करते हैं, खाओ खाओ। कह रही खाने दो, अभी ब्लॉगिंग मत करो, ठीक है चलो। अभी हम लोग आए हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया में, और साड़ी पहन के मॉल में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, इवन दीदी भी, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट कोई नहीं। एक्चुअली यहाँ पे आए हैं एक काम है, वो काम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ पहले डीकैथलन, वहाँ पे ही कुछ चीज़ें हैं जो कलेक्ट करना है। तो वो क्या है वो, जैसा मैंने कहा मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ये मॉल इतना बड़ा है ना कि आप खो जाते हो, वो देखो दी उधर जा रही है और मैं इधर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, मैं बातें करते करते भटक ना जाऊँ। खैर एनीवेज अभी चलते हैं पहले डीकैथलन, और कुछ चीज़ें हैं जो कलेक्ट करनी है, जैसा मैंने कहा। मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों बोल रही हूँ, वो क्या क्या है मुझे। तो ये रहा डीकैथलन जहाँ पे हमें काम है, तो चलते हैं अंदर और फटाफट पहले जो जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। ये रीज़न है DLF मॉल में और डीकैथलन अभी आने का। बेसिकली कल यानी 16 अप्रैल को है वर्ल्ड अर्थ डे ऑर्गेनाइज बाय DLF मॉल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अभी टी शर्ट कलेक्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन सारा सब कुछ रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो एक दिन पहले यानी सैटरडे को 15 अप्रैल को यहाँ पे पूरा टी शर्ट कलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कल मिलन सोमन भी आएंगे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो वैसे मैंने 5 किलोमीटर्स वाला रन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और जीजा जी ने 10, तो उनकी टी शर्ट वहाँ मिलेगी। और हम लोगों ने यहाँ से टी शर्ट कलेक्ट कर लिया है, और ये देखो पहले ही हम लोगों को दे दिया चैम्पियन का, और ये रही दी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ अभी हम लोगों का थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करेंगे, वो देखो। तो साड़ी पहन के हम लोग दौड़ने वाले हैं, गो ग्रीन। हमने कलेक्ट कर लिया है, अब डीकैथलन आए हैं तो कल के लिए थोड़ी सी तैयारी तो करनी बनती है, तो सोच रहे एक शॉर्ट्स ले ले। तो ये शॉर्ट्स मैंने ले लिया है कल के लिए, और दी अभी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देख रही है, क्या देख रही है वो तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, क्या देख रही है भाई? जय जी के लिए खेरी, बिल्कुल हाँ ऑफकोर्स जय जी के लिए ही होगा। गाइस आ गए हम लोग घर, और सच बताओ बिल्कुल थक गई हूँ। एक तो इतनी तेज़ धूप है, अचानक से गुड़गांव नोएडा मतलब दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। बीच में तो थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ठंडा ठंडा वेदर था, बट ऑल ऑफ सडन बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। खैर एनीवेज तो अब मैं करती हूँ इस पोयला बोईशाक इस ब्लॉग को यहीं एंड, एंड आई होप कि आपको मेरे साथ बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करके अच्छा लगा हो। अभी मैं एक दो दिन और नोएडा में हूँ, तो आपको आने वाले ब्लॉग नोएडा के ही देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अच्छे लगे तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। बाय।